अच्छा मुझे लग नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ज़िंदगी जीने के लिए कई तरह के मंत्रों की ज़रूरत होती है, कई बार मेहनत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसा भी होता है कि मेहनत कई बार सफल नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप ढूंढते हैं लाइफ कोच। लेकिन क्या हो जब आपके हाथ में ही वो लाइफ कोच हो? आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करेंगे जिन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जो जीवन जीने का सही तरीका बताती है। चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आप सोच रहे हो कि आप क्या ये कर सकते हैं या नहीं, तो उसके बारे में भी एक किताब आपको बताएगी। और इस किताब की जो लेखिका है उनसे आज हम बातचीत करेंगे। स्वाति तिवारी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वाति जी एक राइटर हैं और स्वाति जी ने किताब भी लिखी है। उस किताब को सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये है सुपर चार्ज योर डेस्टिनी। ये एक ऐसी किताब जिसमें आप अगर किताबों के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो शायद ये समझ पाएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक आपने स्किप कर दी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जाकर जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं। तो आज स्वाति जी सबसे पहले तो किताब के बारे में कुछ बताइए जल्दी से, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो एक काफ़ी अट्रैक्टिव है, सुपर चार्ज योर डेस्टिनी। किस्मत को ही एकदम चार्ज कर दीजिए। एकदम कहते हैं किस्मत आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में आपको किस्मत कैसे बनाना है उसके लिए कुछ सुपर पावर्स हैं जिनको अगर आप और पावरफुल कर लेंगे और चार्ज कर लेते हैं तो किस्मत आपके हाथ में आ जाती है। तो 40 सुपर पावर्स के बारे में हमने इस किताब में बात की है कि वो 40 सुपर पावर्स आपके जीवन में किस तरह से शामिल हैं भी या नहीं हैं, और अगर नहीं है तो उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं उन सुपर पावर्स को। उसके लिए इसमें बहुत सारे मंत्रास दिए हुए हैं। मंत्रास मतलब एवरीडे प्रैक्टिसेस एंड एक्सरसाइजेस जो हैं वो हैं कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में थोड़े बहुत भी बदलाव कर लेंगे तो उससे वो पावर आपकी बढ़ सकती है, सुपर पावर आपकी बढ़ सकती है। इसके बारे में बात है। समरी भी मैं पढ़ रही थी जब किताबों की, तो उसमें एक चीज़ मैंने देखा स्वाति जी कि कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम सक्षम होते हैं, हम केपेबल हैं कि हम ये कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है सही है गलत है, सही गलत में ही हम उलझ जाते हैं और जो हमें करना चाहिए वो पीछे छूट जाता है। तो इस पर आप कैसे कहेंगी, क्या कहेंगी कि हमें ऐसा क्यों कन्फ्यूज़न होता है लाइफ में? ओके, कन्फ्यूजन्स तो देखिए लाइफ का हिस्सा हैं। कन्फ्यूजन क्यों होता है ये इस बारे में सोचने की बजाय वो कन्फ्यूजन ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कैसे हम वो चार्ज ले सकते हैं, ये सोचना ज़्यादा बेहतर बात है। और मुझे लगता है कि जब आप चार्ज लेना चाहते हैं तो आपके लाइफ में अगर कोई कोच हो, अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग अगर मेंटोर से सीखेंगे, कोच से सीखेंगे तो जल्दी सीख पाएंगे। YouTube के वीडियो देख के सीख तो सकते हैं लेकिन शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे, उतने कम समय में नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आपके पास एक कोच हो, एक गाइड हो, एक मेंटोर हो तो वो हमेशा आपके वो कन्फ्यूजन्स दूर करने में आपको एक आपके लिए जो बेहतर तरीका है जिसको कहते हैं रेडीमेड की बजाय कस्टम मेड फार्मूलाज देने में आपकी मदद वो कर सकता है। तो कोच एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। देखिए कोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे लाइफ में सबसे मैं कहती हूँ शायद पहली कोच हमारी माँ होती है जो हमें बताती हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं कौन सी चीज़ें गलत है। लेकिन जब एक बच्चा घर से बाहर निकल जाता है पढ़ने के लिए बाकी चीज़ों के लिए तो वो भूल जाता है कि उसने क्या सीखा आज तक। हमने देखा कोविड में भी बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन की वजह से क्या चीज़ें नहीं की, बहुत सारे क्लैशेस फैमिली में हुए हैं कन्फ्यूजन्स में आकर सारी चीज़ों में। मुझे बताइए कुछ आपके क्लाइंट्स जो आपसे मिलते जुलते हैं बातचीत करते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती है लाइफ में? ओके, सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है वो मुझे लगता है, और मैं जिस फील्ड में डील करती हूँ, मैं पुलिस और बहुत सारी अलग अलग फोर्सेज में ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो इतनी हाई स्ट्रेस जॉब है वो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो हमको हर किसी को सीखना चाहिए। अब ये किताब लिखने का एक कारण ये भी है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई एक सुपरफिशियल चीज़ नहीं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिस व्यक्ति को रिलेशनशिप के कारण स्ट्रेस हो रहा है उसे रिलेशनशिप सुधारना पड़ेगी, जिसे हेल्थ के कारण स्ट्रेस है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के कारण उसको वो कंट्रोल में करना पड़ेगा तब स्ट्रेस कंट्रोल होगा, जिसको फाइनेंस के कारण स्ट्रेस है वो अपने पैसे बेहतर संभालेगा तब स्ट्रेस ख़त्म होगा। तो इस किताब में हमने वही 40 चीज़ों के बारे में बात की है जिनको आप बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस मैनेज होगा और पूरी लाइफ जो है वो आपकी कंट्रोल में, आपके पावर में आप ले पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस है तो उसको वो मैनेज करना है, जो ये मैनेजमेंट है ये कैसे होता है? मतलब बहुत सारे लोग यही मैनेज नहीं कर पाते कि हम मैनेज कैसे करें। इस किताब में बहुत सारे मंत्रास आपको मिलेंगे। मंत्रास मतलब आप रोज़मर्रा के जीवन में अपना क्या बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटी सी बात बताती हूँ, ऐसा कहा जाता है ग्रैटिट्यूड,
यानी कि ईश्वर का धन्यवाद देना। आप जितना ज़्यादा धन्यवाद देंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर चीज़ें मिलती चली जाएंगी। तो छोटी सी एक्टिविटी है, छोटी सी प्रैक्टिस है कि आप एक किताब लिख लीजिए, एक जर्नल बना लीजिए, उसमें रोज़ रात में जर्नल कीजिए कि आज क्या अच्छा हुआ। ये छोटा सा बदलाव आप करेंगे और देखिए जीवन में क्या बड़े बड़े बदलाव होते हैं इस छोटी सी चीज़ को बदलने से। तो मैनेजमेंट बस यही है कि छोटे मोटे चेंजेस आपकी लाइफ में, स्ट्रेस अगर आपको ब्लड प्रेशर के कारण, डायबिटीज़ के कारण है, भाई आप काजू बादाम लेके चले जाइए ना साथ में, क्यों समोसा खाइए या फिर कुछ भी चाय पी लीजिए वहाँ बाहर जाके। तो ये मैनेजमेंट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे ही हाथ में सारी चीज़ें हमारे हाथ में। हाँ, लेकिन मैं वो किस्सा नहीं छोड़ना चाहती जिसकी वजह से आपने ये किताब लिखी है, वो भी बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें कुछ सीखने को मिले कि कैसे धीरे 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 उठ के यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है। ये जो किस्सा है दिल के भी करीब और लाइफ का हिस्सा है, इसीलिए बहुत इम्पैक्ट है इस किस्से का मेरे ऊपर। मैं बचपन से ही थोड़ा वज़न मेरा ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा का मतलब है जब मेरी शादी भी हुई थी तब 70-75 किलो के लगभग वज़न होगा मेरा, बचपन से ही ज़्यादा था वज़न। और हमेशा जैसे बच्चों के साथ में होता है, आपने अपने आसपास देखा होगा कि अगर कोई ज़्यादा वज़न वाले बच्चे होते हैं लोग पूछते हैं क्या खा, किस चक्की का आटा खाते हो, या फिर कोई डाइट कर लो या कसरत कर लो, इस तरह के किस्से मेरे साथ अमूमन होते ही रहते थे। और जब पहली बार किसी ने ये बोला कि किस चक्की का आटा खाती हो और मम्मी से जाके पूछा कि किस चक्की का आटा हम खाते हैं, वो अंकल पूछ रहे थे, तो मम्मी का रिएक्शन ये था कि अगले दिन एक नई ड्रेस आई मेरे लिए। पता है क्या ड्रेस थी? वो सलवार कमीज़। मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और लगभग 6th स्टैंडर्ड से मैंने सलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दिया था कि जिससे कि शरीर ढका रहे, लोगों को दिखे नहीं। और ये ड्रेसेस बहुत फ्रीक्वेंट हो गई मेरी वार्डरोब में, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कमेंट कर देता था, उसके अगले दिन एक नई ड्रेस आ जाती थी। तो मेरी 6th स्टैंडर्ड में जब मेरा बर्थडे था तो उसमें मैंने सलवार कमीज़ पहना है, आप विश्वास कर सकते हो। अब ये पढ़ते, लेकिन फिर भी सलवार कमीज़ पहनती थी, वज़न ज़्यादा था, उसके बावजूद भी जीवन में ऐसा नहीं था कि कुछ कमी थी। करियर अच्छा चल रहा था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, 98 किलो वज़न हो गया, सेंचुरी में सिर्फ 2 किलो कम। फिर एक दिन तय किया कि नहीं, अब मुझे ये वज़न कम करना है, ख़त्म करना है, एंड आई वेंट अंडर द नाइफ। लेकिन एक बात बताऊँ आपको कि जब ये वज़न कम हुआ ना, वज़न जब तक ज़्यादा था तब तक ये लगता था वज़न के कारण इनसिक्योरिटी है, लेकिन वो वजह ढूंढ रही थी शायद वजह एक्चुअली। और हर चीज़ को मैं एसोसिएट करती थी वेट के कारण होगा ऐसा, ऑल दो मैं करियर में बहुत अच्छा कर रही थी, मेरी शादी अच्छी चल रही थी, मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर भी मैं कारण ढूंढ रही थी कहीं ना कहीं कि क्या गड़बड़ है। अब वज़न कम हो गया, वज़न कम होने के बाद में मेरी जो इनसिक्योरिटी ना वो तब भी कम नहीं हुई। अब क्या इनसिक्योरिटी आ गई मुझे, बाल झड़ गए हैं, ये जो स्किन है ये ढीली पड़ गई है। और फिर उस दिन मुझे समझ में आया कि एक्चुअली जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि जिसका जो मूल है, जो जड़ है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है। तो बॉडी इमेज का इलाज करने की ज़रूरत थी इंस्टेड ऑफ वज़न कम करना। इतना आसान था लेकिन तब नहीं किया। फिर लेकिन जब किया तो मुझे लगा मुझे अगर मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोस्टली लोग इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि वो असली वजह नहीं समझ पाते कि वो परेशान है क्यों। बिल्कुल, बस अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, ये नहीं तो यही सही। बिल्कुल, और आप असली वजह कोई आपको बता नहीं सकता। हाँ, असली वजह आपको ही ढूंढना पड़ती है। जब आप जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेंगे अपनी चीज़ों का, आप जितना अंदर अपने उतर के जाएंगे, आपको वहीं जवाब मिलेंगे, कहीं और जवाब नहीं मिलेंगे। तो जो कोच है वो आपको मदद करता है अंदर जाने में और खुद से अपने जवाब खोजने में, जिससे कि आप डिफेंसिव ना हो जाएं। जब दूसरा व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है ना, आप डिफेंस करते हो कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये, लेकिन जब आप खुद अपने आप को सलाह देते हो फिर आप डिफेंस नहीं करते, फिर आप कहते हो मुझे करना है। स्वाति जी, ये भी होता है कि लोग अपने आप को बहुत खुश दिखाते हैं कि हमारा सब अच्छा है, हमारा सब फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक से जब बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है वो झेल नहीं पाते, तो वो जो एक नेचर आ जाता है अंदर की शर्म के मारे में हमने ऐसा कर लिया, या शर्म की वजह से मैं ये नहीं कर पाई या वो कर पाई, उससे कैसे कोई बाहर निकले। शर्म के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ मैं अंशिका, मैं अगर आपको अभी बोलूं कि आपके बाल हरे रंग के हैं तो आप क्या सोचेंगी? आप सोचेंगी शायद इन मैडम की आंखों में कुछ गड़बड़ होगी, इनको गलत दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोलूं आप बहुत क्रूअल हैं, तो आप क्या सोचेंगी? आप एक बार सोचने लग जाएंगी क्या मैं क्रूअल हूँ क्या? तो एक्चुअली ये फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे क्या बोल रहे हैं, जब दूसरे शांत हो गए तब आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं, वहाँ इलाज करना है। तो अगर आप अपने आप से बोलना पे कुछ काम कर पाएंगे तो आपको वो शर्म नहीं आएगी।
तो देखिए बहुत ज़रूरी है कि जो लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम कहते हैं, वो हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है। और ये किताब जो है आपको उन्हीं छोटी चीज़ों से आगे बढ़ना सिखाता है और बताता है कि आप कौन सी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो आपको ज़रूरी भी नहीं है उसको लेकर पकड़ के बैठे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। अच्छा स्वाति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ ऐसे किस्से जो आपसे लोगों ने शेयर किए हों और कहा हो कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी और आपने बताया कि नहीं नहीं आपको इससे नहीं इससे प्रॉब्लम है। तो अंशिका, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोच जो है वो समस्या वो नहीं बताता, वो आपको सिर्फ मदद करता है कि आप अंदर उतरें, अंदर उतरें और अपनी समस्या और खुद समझने की कोशिश करें। तो ऐसे तो बेहद बहुत सारे किस्से हैं जीवन में, जैसे कि मेरे क्लाइंट थे जिनके दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में बड़ा ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चलती रहती थी। पता है, इतना छोटा सा एक टूल हमने उनको दिया, दोनों को बोला एक दूसरे को लव लेटर लिखो, भले ही लड़ाई हो रही है बट स्टिल लव लेटर लिखो, भले ही देना मत, आप लव लेटर लिखो। और जब वो लव लेटर लिख रहे थे तब उन्हें समझ में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, मैं एक वो बुरी चीज़ क्यों देख रहा हूँ इसके अंदर, और उनकी रिलेशनशिप सुधर गई। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें। अच्छा, ये भी होता है कि किसी ने हमारे लिए 100% किया होता है बट हम उसकी वन चीज़ को लेके पूरा 99 कैंसिल कि खराब है, क्यों ऐसा क्यों आता है। एग्जैक्टली, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड बिल्कुल यही बात तो है, जो अच्छा हो रहा है उसको तो एक्सेप्ट करो, उसको तो एक्नॉलेज करो, जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। मैं आपने शायद सुना भी होगा ये किस्सा, मैं फिर भी एक बार किस्सा ये सुनाती हूँ आपको, ये हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा बच्चा है जो अपने पिताजी से बार बार कहता है मुझे नाइकी के जूते चाहिए, मुझे नाइकी के जूते चाहिए। पिताजी बड़े परेशान हो जाते हैं एक दिन और उसको लेसन देना चाहते हैं, बोलते हैं वो जो मंदिर है ना पहाड़ी के ऊपर, वहाँ जाओगे तो वहाँ भगवान से मांगना, नाइकी के जूते मिल जाएंगे। वो बच्चा जाता है वहाँ पे और अपने जूते बाहर उतार के जैसी सीढ़ियाँ चढ़ता है तो देखता है एक दूसरा बच्चा बैसाखी के सहारे आ रहा है। जब वो भगवान के पास पहुँचता है तो बोलता है थैंक यू भगवान, आपने मुझे पैर दिए, जूते तो कभी भी आ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा एक तरह से हम कह सकते हैं कि संदेश भी है जिसको समझने की ज़रूरत है और लाइफ में फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है आजकल के जो दौर के यंगस्टर्स हैं खासतौर पर, आप देखिए वो सुसाइड कर ले रहे हैं, 14-14 साल के बच्चे और 8th क्लास के बच्चे, अचानक से मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। MP से तो ऐसी बहुत सारी खबरें आई भी हैं, हमने पढ़ी भी हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं दिया भाई ने बहन को या खाने में शेयरिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो बहुत अच्छा, जो ईगो वर्ड है, ईगो वर्ड का मतलब क्या है सही तरीके से, ये हर तरह के रिलेशनशिप में आ जाता है। ओके अंशिका, ईगो की बात करने से पहले जब आपने बोला ना कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मैं चाहती हूँ कि उस बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का। तो जब बच्चे सुसाइड करते हैं तो बच्चों से ज़्यादा मुझे लगता है पेरेंट्स को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना प्रेशर दे दिया किसी भी एक छोटी बात का। वो मोबाइल जब आदत पड़ रही थी, जब लत लग रही थी तब आपने नहीं रोका, जब लत लग गई तब आपने विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉल सिम्टम जो कहलाता है, किसी भी जो ये नशे करते हैं लोग उनको सभी को पता होगा कि विड्रॉल सिम्टम होता है। तो विड्रॉल सिम्टम है वो, उस समय आपको मैनेज करना है, धीरे धीरे विड्रॉल होता है, एकदम अचानक विड्रॉल नहीं कर सकते आप। 12th क्लास में आपने इतना प्रेशर दे दिया बच्चे को कि वो अगर 90% मार्क्स नहीं आए तो वो कुछ का कुछ कर लेता है, IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ। 4th की 5th क्लास की एक बच्ची जो कि अपने आंसर शीट में ये लिखकर सुसाइड की थी कि सॉरी पापा मैं नहीं कर पाई। मतलब वो इतनी छोटी बच्ची, 4th 5th क्लास की बच्ची थी और उसकी एक आंसर शीट हमने दिखाई भी थी, हमारे यहाँ खबर भी चली थी कि बहुत इस तरह की चीज़ें लिखी थी। तो ये जो निराशा हाथ लगती है उसके पीछे बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है। एग्जैक्टली, तो ये माता पिता को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम परवरिश करें बच्चों की, सो दैट बच्चे लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स होंगे ना, आपके में भी हो रहे हैं, मेरे में भी हो रहे हैं, मेरे बच्चों के भी होंगे। हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकते कि गलती ही ना हो, हमें तो उन्हें ये सिखाना है कि जब गलत हो रहा है, जब डाउन जा रहा है, उस समय उठना कैसे है। तो लड़ना सिखाना है उनको, उनको बचना नहीं सिखाना है, हम बचना सिखाते रहते हैं और इसीलिए ये कुछ का कुछ हो जाता है। ठीक है, किताब की कुछ बातों को भी डिस्कस करती हूँ। जो ये सुपर पावर 3 चैप्टर है एप्रिसिएशन, इसमें क्या है? अप्रिसिएशन यानी कि तारीफ करना, हिंदुस्तान में बहुत कमी है अप्रिसिएशन की, हम लोगों की बुराई बहुत जल्दी कर लेते हैं। खाने में नमक कम है या ज़्यादा है हम जल्दी बता देते हैं, लेकिन आज खाना अच्छा बना है। उस दिन कोई तारीफ नहीं करता। तो ये अप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही सब कुछ घूम फिर के वहीं ग्रैटिट्यूड पे आ जाता है। अप्रिशिएट करो, आज ठीक है खाने में नमक ज़्यादा लेकिन सब्ज़ी पकी अच्छी है। हाउ टू सी दिस राइट, एक बहुत मज़ेदार चैप्टर है इसमें, 11th चैप्टर, जो लव है।
अच्छा है ना। अब लव क्या है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम होता है हिंदुस्तान में, मेरी एज ग्रुप में तो कम से कम ऐसा है कि हमें पता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है काइंड्स, शो इट। अगर आप प्यार करते हैं वो बोलना, वो दिखाना, वो छोटे छोटे जेस्चर्स के कुर्सी आगे कर देना, गाड़ी का दरवाज़ा खोल देना, बैग पकड़ लेना, आप शो कीजिए वो प्यार, वो प्यार बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोग ये बोलते रह जाते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है कहीं पर भी। तो एग्जैक्टली, आपको शो करना है। तो कहते हैं लव इज इन द एक्शन, तो उसमें क्या हम इंसान के नेचर को नहीं समझ सकते कि वो इतना नहीं एक्सट्रोवर्ट नहीं है या फिर वो इतना नहीं नहीं, आप अपने आप को समझते हैं, आपके अलावा कोई आपको नहीं समझता, बाकी सबको बोलने की जरूरत है। एक और मजेदार किस्सा कहिए या फिर एक टिप कहिए, हम कहते हैं सामने वाला समझ जाए कोई बात नहीं, मांग लेने में बुराई क्या है, मांग लो, भगवान से भी मांग लो, अपने पार्टनर से भी मांग लो, अपने बच्चों से भी मांग लो, मदद मांग लो। हम कहते हैं सामने वाले को खुद समझना चाहिए कि मुझे मदद की ज़रूरत है, वो आए, अरे वाए, जस्ट आस्क फॉर इट। शायद मुझे आइडिया का ऐड याद है कि अमिताभ बच्चन, पूछ के तो देखो, तो एक्चुअली पूछ के तो देखो, मदद कर देगा कोई भी आपकी और आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप जो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, वो कोई भी आपकी मदद कर देगा और आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, छोटी सी बात। अच्छा, ये जो छोटे छोटे लेसन्स हैं शायद वही हम नहीं ध्यान देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है डिस्कशन के बाद कि इस बुक में वाकई में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने भी अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा। एक चीज़ और उसमें मुझे दिख रहा है, ह्यूमर, ह्यूमर इज़ मस्ट, ह्यूमर इज़ मस्ट। देखिए, खुशी, आपको मस्ती मजाक करना, स्ट्रेस में जब आप हैं, डिप्रेशन में जब आप हैं, उस समय उस स्ट्रेस को, उस डिप्रेशन को मैनेज करना, अपने दोस्तों के साथ में गप लड़ाना, किसी की बुराई करना, ये तो ह्यूमर है। इसके अलावा क्या ह्यूमर है, तो छोटी छोटी सी चीजें की कैटेगरी में डाल देते हैं। जब लोग बचते हैं, जब तक आपका इंटेंशन ये नहीं है कि दूसरे को आप हर्ट कर रहे हैं, जब सिर्फ गप्पे मार रहे हैं तब तक मुझे नहीं लगता वो गॉसिप है। लेकिन हाँ, अगर आप हर्ट कर रहे हैं सामने वाले को, उस समय वो गॉसिप बन जाता है। तो वो एक थिन लाइन है, वो थिन लाइन समझना चाहिए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, जब आप सीखने जाएंगे तो आएंगी। ह्यूमर मतलब इसमें टोटल देखा जाए तो कई सारे चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर्स हैं। और मुझे लगता है कि ये लाइफ को जीने के आई थिंक हर सेकंड पे जो हमारी फीलिंग आती है उसके बारे में ब्रीफ किया गया है, कह सकते हैं आप ऐसा। सेल्फ डिस्कवरी इसका आखिरी चैप्टर है, मतलब अपने आप को डिस्कवर करने की किताब है कि किस तरह से आप क्या चाहते हैं, क्या आप एक्चुअली वो IAS IPS बनना चाहते हैं या सिर्फ दुनिया के प्रेशर में बनने जा रहे हैं, क्या आप सच में वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर दुनिया में अभी इतने नए नए करियर्स आ गए हैं, क्या कोई और ऑप्शन लेना चाहते हैं। और ये तो मैं सिर्फ एक छोटी सी करियर की बात कर रही हूँ, ये सभी चीज़ों में है। रिलेशनशिप, इतने सारे लोगों को मतलब ट्रेन भी करती हैं, आप बात करती हैं उनसे, तो ऑब्वियसली बात है आप उन्हें सजेस्ट भी करती हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में। बड़े प्रोफाइल के लोगों से भी आप मिलती हैं, आपने कहा कि कई ऐसे मतलब जिनके फ्रस्ट्रेटेड होते हैं पुलिस स्टाफ और बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के, तो मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम भी होते हैं, खुद की मेहनत से क्वालिफाई अगर नहीं कर पाते तो हम दोष किस्मत पर ठहराते हैं, चलो किस्मत में ही नहीं है। तो ये हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं या वाकई में हमारी किस्मत में नहीं है। ओके, तो किताब में दो चैप्टर्स हैं, एक रेजिलियंस और एक परसीवरेंस, है ना। गिर के उठना और उठने के बाद सीखना कि क्या गलत हुआ, राइट, ये इम्पॉर्टेंट है। गिरना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर वो नहीं, आखिरी चीज़ नहीं है। फेलियर का तो मतलब ये है कि आप नई चीज़ सीखें, आप एक स्टेप और आगे पढ़े हैं। जब आप उस फेलियर से डर के बैठ जाते हैं, वहाँ परेशानी है। तो खुद को ये सेटिस्फाई कर लेना कि आज किस्मत में नहीं था, लेकिन गलती कहाँ हुई ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट। हम हमारी फेलियर्स में कई बार एस्ट्रोलॉजी का भी सहारा ले लेते हैं, तंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र हमारे सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हमारी मेहनत पता नहीं कहीं भी जा रही हो लेकिन हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो, ठीक है। तो इसमें ये आप खाली सेटिस्फाई करते हैं ना खुद को? नहीं, इसमें मेरा टेक ऐसा है कि एक आपको अगर उससे इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बुराई कुछ नहीं है वो अंगूठियां पहन लेने में, लेकिन एफर्ट मत छोड़ो। एफर्ट छोड़ दिया तो परेशानी है ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये कह दिया जाता है कि आप ये अंगूठी पहन लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या किया, हाथ पे हाथ रखा, अंगूठी पहन के बैठ गए, लेकिन कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये कि जिसने कहा उसने गलत कहा,
ये अंगूठी उन्होंने बोला था पहनने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ हमारा। एग्जैक्टली पंडित जी ने कह दिया कि आपके घर में एक वो खाली वास पड़ा हुआ है, इसीलिए आपका भाग्य अच्छा नहीं चल रहा। मैं कह रही हूँ अगर वास में फूल डालने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है भाग्य अच्छा होगा तो डाल के रखो भाई फूल, कम से कम इमोशनल स्ट्रेंथ तो मिलेगी उससे। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो हमको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है, वो कोई पंडित जी हैं, अंगूठी है, फूल हैं, ये मुझे नहीं पता क्या। मैं उनके किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहती, बिकॉज मुझे लगता है वो भी ताकत देती है, मन को तसल्ली देती है। yes, करो। yes. और अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से कुछ होगा तो करिए, लेकिन मेहनत मत छोड़िए, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अपने ऊपर काम करते रहिए, डिस्कवर करते रहिए खुद। अच्छा मैं लास्ट, क्योंकि कुछ एक दो क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो अब हमारे एक सर्टेन एज से जो बच्चे ग्रो करते हैं, जो एडल्ट एज में होते हैं स्पेशली, फिर उसके बाद जो 30 क्रॉस करते हैं, 40 क्रॉस करते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, इनके लिए कोई मंत्रा बताइए जिससे कि दिमाग शांत रहे और कॉन्सेंट्रेट रहे। ओके तो मंत्रास तो जीवन की किसी भी पड़ाव पे जब आप जा रहे हैं मंत्रास तो सेम ही है, चाहे वो आप 20 साल के हैं, चाहे वो 30 साल के हैं, चाहे वो 40 साल के हैं, वो नहीं बदलते, सिर्फ आपकी अप्रोच बदल जाती है। आप 20 साल में आपके जो टेंशन स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं वो शायद पढ़ाई लिखाई होता है, वो अफेयर्स होते हैं, वो रिलेशनशिप्स होते हैं, 30 साल में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाता है, मंत्रा सेम रहने वाले हैं, प्रॉब्लम सिर्फ आपकी स्टेज के वाले। 50 साल की मेरी उम्र में आके अब एक अलग तरीके के इश्यूज होते हैं कि हाँ अब क्या करना है, बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गया, अब व्हाट नेक्स्ट। अच्छा आप जैसे लोग आपसे आके डिस्कस करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है या हम आगे ऐसे नहीं बढ़ पा रहे, आपके घर में भी आपके बच्चे डिस्कस करते हैं आपसे? हाँ मेरे बच्चे डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बोला कि एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको मुसीबतों से लड़ना सिखाएं, राइट। डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग हमारे मेरे बच्चे खुद ही करते हैं। मेरी दो बेटियां हैं, एक 24 साल की और एक 16 साल की है, 16 साल वाली भी डिसीजन मेकिंग खुद करती है और 24 साल वाली भी डिसीजन मेकिंग खुद करती है। तो डिसीजन मेकिंग तो बच्चे को ही करना है, सलाह ज़रूर देना चाहिए माता पिता को, लेकिन थोपना बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपनी सलाह, क्योंकि आप आज सलाह थोप देते हैं कल वो प्रेशर ले लेते हैं, अपने फेलियर का आपको कारण बताने लगेंगे। वो यही बोलेंगे ना फिर कि आपने कहा था ये किया, अभी देखो फेल हो गया मैं। या फिर नहीं कर पाए तो कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं। तो थोपिए मत, उनको इनफ नॉलेज दीजिए सो दैट दे कैन डिसाइड बेटर फॉर देमसेल्व्स। अच्छा रूटीन हमें कैसा मेंटेन करना चाहिए ताकि हम थोड़ा टेंशन फ्री रहें? जो आपने देखा होगा लोगों को अपने इतने बिजी शेड्यूल में वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। yes. तो रूटीन एक कैसा हो जिससे कि इंसान जो है अच्छी ज़िंदगी जिए। मैंने कहती बहुत ही शानदार या बहुत ही ऐसी लग्जरियस है, साधारण बस अच्छी। रूटीन मतलब सुबह से शाम तक क्या करना है, यही बोल रही हैं आप? ओके तो सुबह से शाम तक क्या करना है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, इसलिए क्योंकि हर किसी की बॉडी क्लॉक डिफरेंट है, हर किसी का जॉब की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। लेकिन कुछ एक चीज़ें जो मैं कहती हूँ आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको जो सोना है वो 6 से 8 घंटे का जो एवरेज स्लीप कहते हैं, कम से कम वो लेने की कोशिश करनी चाहिए। सोने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 1 घंटा पहले सारे डिवाइसेस से दूर हो जाइए, ये ज़िंदगी बदल देने वाली चीज़ है। अगर आप अपने मोबाइल से सोने के 1 घंटे पहले दूर हो गए ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। पानी ज़्यादा पीजिए, और अगर आपका ऐसा कोई काम है जो स्ट्रेसफुल काम है जिसमें खाने पीने का आपको समय पता नहीं है, तो कैरी कीजिए साथ में पानी और खाना, दोनों चीज़ें। खाना मतलब वो चने मुरमुरे साथ में लेके जाइए, थोड़ा सा खाओ फटाफट, उसमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, भूख भी ठीक होती। और बाय चांस आप नहीं ले जा पाए तो जो जहाँ बाहर समोसा मिल रहा है उसके बगल में वो केला भी मिल रहा है, तो गो फॉर दैट केला इंस्टेड ऑफ समोसा। केला नुकसान नहीं करेगा, समोसा नुकसान ज़्यादा कर देगा। तो ये जो कॉन्शियस चॉइसेस हैं उन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। चॉइस पे मुझे लगता है ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। yes. क्योंकि अगर चॉइस से अगर हम हटेंगे तो वो हानिकारक हमारे लिए होगा। बहुत अच्छा लगा स्वाति जी। तो अच्छा एक मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मैं क्लासेस लेती हूँ जब पुलिस की, तो उसमें अक्सर मैं पूछती हूँ ये कि जब आप मेस में खाना खाने के लिए जाते हैं तो सलाद वाला जो सर्विंग बोल है वो खाली होता है गुलाब जामुन वाला? तो ऑब्वियसली गुलाब जामुन वाला खाली होता है। सलाद तो आज वाला कल भी सर्व हो सकता है, वो तो बच ही जाता है। तो
हमें सबको पता है बचपन से कि अच्छा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बट स्टिल हम चूज नहीं करते, नहीं करते तो बस हमें सही चीज़ों को चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वाति जी, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके, और मुझे लगता है कि जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनको आप इन किताबों में पढ़ेंगे, और इस किताब में 40 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपकी पसंद के ही हैं, जहाँ आपको खुश रहना है तो उस खुशी में खुशी कैसे निकालें, अगर आप दुखी हैं तो उसमें खुशी कैसे निकालें, इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ और लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे आप? अंशिका, जो आपने बोला कि मेक गुड चॉइसेस, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ गुड फॉर यू, आपको पता है आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, उसके बावजूद भी अगर आप गलत चॉइस करते हैं और फिर दूसरे को दोष देते हैं, तो प्लीज़ टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपकी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, ना माता पिता की, ना टीचर्स की, ना पास पड़ोसियों की, सिर्फ आपकी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपनी लाइफ की एंड सी द डिफरेंस, कितना चेंज आता है, आपका जीवन किस तरह से बदल जाता है अगर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपनी लाइफ की। सो दैट इज़ बहुत शुक्रिया स्वाति जी, आप आई और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने, मतलब मैं कहती हूँ कि आजकल हम बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस तो कर लेते हैं लेकिन एक लाइफ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही डिस्कस नहीं कर पाते, और आज उसके बारे में स्वाति जी की बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और जो उन्होंने कहा कि जीवन जीने का सही तरीका क्या होता है, आपकी चॉइसेस आपकी प्रायोरिटी हैं और उन पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।